हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू कॉलेज ट्यूटर। अब हम लोग करेंगे अपने लास्ट दो टॉपिक इस यूनिट के, ईआरपी और ईएमएस। ईआरपी और ईएमएस यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग और एंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम। आसान से टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है ऑलरेडी। जस्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि अगर एग्ज़ाम में चाहिए सेक्शन बी में आ जाए चाहे सेक्शन सी में आ जाए, हम आराम से अटेम्प्ट कर पाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ईआरपी के साथ। ईआरपी क्या होता है? ईआरपी मेरा बनना है तीन वर्ड से, एंटरप्राइज रिसोर्स और प्लानिंग से। एंटरप्राइज यानी कि मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्स यानी कि उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मेरा ह्यूमन रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्स हो, फिजिकल रिसोर्स हो, कोई सा भी रिसोर्स हो। एंड प्लानिंग तो हमें पता ही है कि उसको प्लान करना, कि इसका मतलब है कि जितने भी मेरे एंटरप्राइज के रिसोर्सेज हैं उनको मैं कैसे प्लान करूँ, प्लान आउट करूँ। प्लानिंग मेरे को मतलब कैसे करनी है? मेरे को प्लानिंग ऐसे करनी है कि मैं उनको एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली दोनों तरीके से यूज़ कर पाऊँ। मेरा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस मिनिमम रहे, सबके आपस में तालमेल अच्छे से मैं बिठा पाऊँ। तो इसको अगर प्रॉपर लैंग्वेज में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? डील्स विद द प्लानिंग एंड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज यूज इन बिजनेसेस। इसमें अब रिसोर्सेज कौन कौन से आते हैं? फाइनेंस, मटीरियल, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब इसके अंदर जब हम ईआरपी की बात करेंगे तो सबसे आसान होता है हमारे लिए कि हम कोई एग्जांपल लेके चले कि जिससे हमें समझ आ जाए। अब क्योंकि आप सब लोग बीबीए या बीकॉम के स्टूडेंट्स हो, आई एम प्रिटी श्योर आप लोग टैली सॉफ्टवेयर के साथ फेमिलियर होंगे। टैली यानी कि मेरा एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है। उसमें भी क्या होता है कि मैं सारी सेल्स डालता हूँ, सारी परचेज डालता हूँ, क्या मैंने खरीदा, क्या बेचा, क्या सैलरी पे करी। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, मेरे को एक कंप्लीट ओवरव्यू प्रोवाइड कर देता है जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई होती है, कि मान लो कितनी मैंने सेल करी, कितनी परचेज करी, क्या क्या चीज़ें मेरे स्टॉक में रह गई, क्या मैंने सैलरीज पे आउट करी। तो ये सारी चीज़ें, ये एक एग्जांपल है। तो ईआरपी बेसिकली हमें हेल्प कर रहे हैं कि कैसे हम अपने इन सारे रिसोर्सेस को इफेक्टिवली यूटिलाइज करें एंड इनको हम अच्छे से प्लान आउट कर पाए। तो इसके फंक्शंस भी नीचे लिखे जा सकते हैं। फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स आप दोनों सिमिलर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फंक्शंस क्या आ जाएंगे? सबसे पहले परचेस मैनेजमेंट। परचेस मैनेजमेंट कैसी हो रही है भाई? इसके अंदर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैंने कब कौन सा मटेरियल ख़रीदा, कितना ख़रीदा, किस सप्लायर से ख़रीदा। तो अगर मेरे पास कल को कोई सप्लायर पेमेंट खिलाता है तो मेरे को पता रहेगा कि हाँ भाई कितनी पेमेंट देनी है उसको। मेरे को सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स कितनी जा रही है, मैं चार्ट में देख पाऊंगा कि भाई मंथली वाइज कितनी सेल हो रही है, डे वाइज कैसे हो रही है, कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मेरे को पता रहेगा कि भाई कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना सेल चला गया, कितना मैं खरीद के लाया, कितना मेरे पास बच गया। देन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सब कुछ रिकॉर्ड करते ही है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो जाती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। सप्लाई चेन और कस्टमर रिलेशनशिप आज की डेट में दोनों सबसे ज़्यादा की चीज़ें हैं, क्योंकि कस्टमर से रिलेशंस तो अच्छा रखना ही रखना पड़ेगा। सीआरएम में क्यों बोलता हूँ, जैसे कि अगर मैं टेली का भी एग्जांपल हूँ, हमारे पास कंप्लीट लिस्ट होती है कि हमारे कस्टमर्स कौन कौन है। सर्टेन टाइम हो गया कि हाँ भाई एक महीने से इसने क्यों नहीं लिया हमसे, उठा के कॉल करके देख लिया, फॉलो अप ले लिया। तो एक रिलेशनशिप बिल्ड करके रखनी बहुत ज़रूरी होती है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड पेबल। तो ये था अबाउट ईआरपी। अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो हमें कुछ नहीं, सिंपल सा एक्सप्लेन करके चलना है कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं एंड इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या आ जाएंगे? सबसे पहला, मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मेरी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, मैं परचेस अच्छे से मैनेज कर पाऊँगा, सेल्स अच्छे से मैनेज कर पाऊँगा, फाइनेंस अच्छे से मैनेज करूँगा, मटीरियल्स की वेस्टेज रिड्यूस हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का मेरे को आइडिया रहेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज को मैं अच्छे से मैनेज कर पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंडर आती हैं। तो दिस वाज अबाउट एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अगर इसमें फर्दर अगर आप लोगों को डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट आता है ईएमएस यानी कि एंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम। एंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम एक बड़ा पार्ट है एंड ईआरपी एक छोटा पार्ट है। काफ़ी जनों को कन्फ्यूजन होती है ईएमएस और ईआरपी में। ईआरपी कैन बी पार्ट ऑफ ईएमएस बट ईएमएस कांट बी पार्ट ऑफ ईआरपी। लाइक ईएमएस मेरा बड़ा सर्कल है, ईआरपी उसके अंदर एक
छोटा सर्कल है। ईएमएस क्या होता है? ईएमएस में पूरी एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज कर पा रहे हो, एक सॉफ्टवेयर है जो मेरे को हेल्प कर रहा है कि मैं अपने जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उन सबके बीच तालमेल बिठा पाऊँ एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन ले पाऊँ। ईएमएस आर लार्ज स्केल ऑपरेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस दैट सपोर्ट बिजनेस प्रोसेस, इन्फॉर्मेशन फ्लोज, रिपोर्टिंग एंड डाटा एनालिटिक्स इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसको अगेन जैसे कि मैंने पीछे बताया था डीएसएस के टाइम, ईएमएस को एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरह सोच के चलो कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कैसे सारी चीज़ें मैनेज करती होगी, कैसे इन्फॉर्मेशन फ्लो करती होगी, कैसे डिसीजन लिए जाते होंगे, कैसे बताए जाते होंगे, वो सारा मेरा हेल्प ईएमएस के थ्रू होते हैं। ईएमएस के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन करने के लिए, जिसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले ईआरपी जो कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किए, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इन्वेंट्री, सेल्स, परचेज, इन सब से रिलेटेड। देन आता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिज़ाइन वगैरह के बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, यूज़ हो रहा है। देन आता है अटेंडेंस मैनेजमेंट, अटेंडेंस मेरे को देखनी पड़ेगी मेरे एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे, उनका क्या चल रहा है। देन आता है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स मेरे को किस टाइम कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ जाए तो ये सिस्टम मैनेज करके रखता है कि मेरे को ठीक टाइम पे ठीक डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवा पाए। देन आता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैसे फ्लो करेगा। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है अपने सॉफ्टवेयर्स भी डेवलप कर लेती है, वरना गूगल का आता है, देन माइक्रोसॉफ्ट के आते हैं टीम सॉफ्टवेयर्स, वरना उसके अलावा असाना है, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूज़ करे जाते हैं। देन उसके अलावा आता है एसएमएस यानी कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट से यहाँ मेरा फिजिकल सिक्योरिटी से मतलब नहीं है कि भाई गार्ड वार्ड को उठा के ले आओ, नहीं नहीं नहीं, जो मेरे डाटा वगैरह है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फायरवॉल्स वगैरह के लिए ज़रूरी है, बाहर से कोई हैकिंग वगैरह ना आ जाए, यहाँ पे मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे अपने आप निकल के आ जाएंगे, भाई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क कर पाए, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, बिजनेस प्लानिंग अच्छे से हो, अच्छे से रिकॉर्ड कीपिंग हो जाए, डाटा वगैरह मैनेज हो जाए, डॉक्यूमेंट रिट्रीव्स हो जाए, ये सारी चीज़ें। अब उसके अलावा एक यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है जिसमें ईएमएस बता रहे हैं कि किन किन डिपार्टमेंट्स में रोल प्ले करते हैं, फाइनेंशियल प्रोसेसिंग, रिटेल ऑपरेशन, सेल्स एक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बजटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, प्लानिंग एनालिसिस, एचआरएम, मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग चीज़ें। बेसिकली ईआरपी के जितने थे वो तो है ही है क्योंकि ईआरपी एक इसका पार्ट है, उसके अलावा फर्दर डिसीजन लेना एंड उसके अकॉर्डिंग प्लान आउट करना, दैट इज़ माय एंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम। तो दिस वाज अबाउट ईआरपी एंड ईएमएस। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर होगा, इन केस नहीं होता तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप दूसरों की वीडियो भी सजेस्ट कर सकते हो, वरना अपने किसी फ्रेंड से करो, और अगर कोई डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट भी दो। तो दिस वॉज अबाउट MIS। आई होप आप लोगों का कल का एग्ज़ाम अच्छा हो। यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 5, तीन यूनिट हम लोगों ने करवा दी, दो यूनिट आप लोग कर सकते हो, एंड इन केस रह भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एग्ज़ाम में कल काफ़ी चॉइसेस रहेंगी, मोर ओर लेस आप आराम से अच्छा खासा एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड टू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ पॉसिबल हो तो प्लीज़ हम लोगों का चैनल थोड़ा सा और प्रमोट कराओ यार, कि एटलीस्ट इस बार 50,000 सब्सक्राइबर्स तो क्रॉस हो जाए, वरना कोई बात नहीं, देखते हैं। थैंक यू।